नवरात्रि के अवसर पर जहां पूरे देश भर में डांडिया का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं सीवान में शनिवार को केवल लड़कियों को नृत्य का प्रशिक्षण देने वाली एकमात्र संस्था नृत्योदय द परफॉर्मिंग आर्ट्स नटपा में गरबा उत्सव सह इंडिया डांस का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था की प्रशिक्षु नृत्यांगनाओं के साथ साथ फ्री एंट्री लेकर शहर की अनेक युवतियों ने गरबा और डांडिया डांस की प्रस्तुति कर जलवा बिखेरा। आपको बता दें कि संस्था के निदेशक श्वेता अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि नवरात्रि के मौके पर डांडिया और गरबा नृत्य किया जाता है, जो कि गुजरात और राजस्थान का एक प्रसिद्ध नृत्य है, लेकिन हमारे जिले में इसका चलन नहीं रहा है, लिहाजा हमारी संस्था में आने वाली लड़कियों और महिलाओं की ख्वाहिश थी कि इसका आयोजन किया जाए, जिसको लेकर पिछले वर्ष से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई और आज दूसरी बार नटपा में डांडिया गरबा डांस का आयोजन हुआ। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि हर वर्ष नवरात्रि में नटपा द्वारा डांडिया और गरबा डांस कार्यक्रम आयोजित किया जाए। मौके पर पल्ली प्रिया, जूही सिंह, खुशबू कुमारी, राशि, श्वेता दास, प्रिया नैन्सी, राजनंदनी, संस्कृति और गुलाल सहित कई लड़की और युवतियों ने कई गीतों पर डांडिया और गरबा डांस की मनमोहक प्रस्तुति की। आयोजन दशहरा पूजा के अवसर पे गरबा और डांडिया का मिला जुला रूप किया गया है, जहां हम लोग मस्ती करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और दुर्गा माँ की साथ साथ आराधना करने के लिए। इसका मकसद और इसका फ़ायदा सिर्फ यही है कि हम सब एक साथ कुछ समय के लिए अपना सारी प्रॉब्लम भूलकर एक साथ यहाँ पे आते हैं और साथ में मस्ती करते हैं, और फिर इससे फ़ायदा ये भी है कि कुछ गरबा के स्टेप्स बच्चों को आ जाते हैं, क्योंकि एक डांस इंस्टीट्यूशन है और नटपा जैसा कि गर्ल्स के लिए सिर्फ लड़कियों के लिए है, तो यहाँ लड़कियों के लिए डांस सिखाया जाता है, और इसका मकसद ये हो गया कि हम यहाँ पे डांस भी कर रहे हैं और मस्ती भी कर रहे हैं, एक दूसरे का साथ का लाभ उठा रहे हैं और कुछ स्टेप्स भी सीख रहे हैं गरबा। क्या अपील करेंगे? इन्फॉर्म किया जाता है कि वो यहाँ आएँ और आगे से उनकी भी इच्छा हो कि यहाँ पे और बड़े स्तर पे मनाया जाए, वो सपोर्ट करें, जिससे कि और हम लोग अच्छे जगह पे, खुले जगह पे ये रात में ज़्यादातर मनाने की इसका जो भी होता है डेकोरेशन, इसका रात में ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी हम लोग अब जितनी व्यवस्था हो पाती है, जितनी सुविधा मिल पाती है, उस हम लोग दिन में ही प्रयास कर रहे हैं कि ये मनाया जाए, क्योंकि हम लोग को जो भी हैं लड़कियाँ उनका बहुत शौक है। आज बहुत दूर दूर से लड़कियाँ आई हुई हैं, सब गाँव से गाँव की लड़कियाँ हैं काफ़ी, जो आके यहाँ पे चाहती हैं कि वो डांडिया मनाएं, डांडिया खेलें। और डांडिया साहब को क्या मस्ती करती है? डांडिया एक तो गरबा नृत्य ये डांस फॉर्म है, इसके अलावा इसमें हम लोग ज़्यादातर ये नवरात्रि में जो मनाया जाता है वो एक तरह से मस्ती के द्वारा ही उसे अपने आप को सब लोग प्रसन्न होते हैं और मनाते हैं, कि जो भी दूर दूर बहुत सारी औरतें भी आती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे ना लोगों की इच्छाएँ हैं ना उन लोगों का कोई सुविधा है, बड़ा प्लेटफॉर्म भी कोई नहीं है जहाँ पे वो लोग आके परफॉर्म करें। सिवान ऐसे शहर में ये दूसरी बार हो रहा है या नटपा दूसरी बार कराने जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे, और जो सुदूर देहात की लड़कियाँ हैं चैनल के माध्यम से उन लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगे?
लड़कों के लिए तो ये दूसरी बार हम लोग मना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पिछली बार से ज़्यादा संख्या में लड़कियाँ आई हैं, क्योंकि उन पिछले बार जो भी लड़कियाँ उन्हें मालूम चला वो ना नहीं आ पाई, जिस कारण अभी बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्म किया गया था वो अभी आई नहीं है, और गाँव की लड़कियाँ उसने हम लोग को दिन में रखना पड़ रहा है, बिकॉज ये रात में अगर रखा जाएगा तो वो नहीं आ पाएंगी दोस्तों, और उनके गार्जियन परमिशन कर रहे हैं तो वो भी दिन के लिए वो बोल रहे हैं कि हाँ जो भी आप लोग मनाओ, और दूसरी बार हम लोग दिन में ही कोशिश था रात में मनाने का, बट यहाँ पे कोई बड़ा स्तर नहीं है जिस कारण से रात में व्यवस्था हो, सुविधा हो, चाहे उनके आने जाने का, खाने पीने का जो भी व्यवस्था हो, सब दिन में आयोजित हुआ है, उस कारण गाँव की लड़कियाँ काफ़ी आई हुई हैं। नृत्योदय में आज के दिन हम लोग गरबा और डांडिया का आयोजन किए हुए हैं, जहाँ पे ये सभी जानते हैं कि गरबा और डांडिया सिर्फ गुजरात और राजस्थान क्षेत्र की तरफ का नृत्य है, जहाँ हमने इसका आयोजन किया है जो कि बिहार, जहाँ पे ये नृत्य उतना फेमस नहीं है, तो हमारा मेन इसका मकसद है कि हम गुजरात की कल्चर को, संस्कृति को यहाँ बिहार में समझें और समरसता का भाव पैदा करें, और दूसरा हम यहाँ लड़कियों को गरबा से परिचित करा रहे हैं, मतलब गुजरात के कल्चर से और वहाँ के स्टेप से लड़कियों को परिचित करा रहे हैं, क्योंकि ये डांस संस्था है और हमें एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे गर्ल्स को? गर्ल्स को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आप जो भी करें अपने दिल की सुने, और हमेशा आत्मविश्वास से लोगों के सामने जाएं, जो भी करना, चाहे वो डांस हो या आपकी लाइफ का अपना कोई जॉब हो या आपको एक पारिवारिक जिंदगी ही गुजारनी, हर समय खुश रहें और दूसरों को खुश रहने की प्रेरणा। नृत्य अपने आप में एक संपूर्ण व्यायाम भी है, एक्सरसाइज भी है, ऐसे में घरेलू महिलाओं से भी आप अपील करना चाहेंगे कि वो भी जरूर घरों में ही जरूर, लेकिन नृत्य करना जरूर सीखें। जी हाँ, नृत्य तो हमें खुशी देता ही है और साथ ही साथ हमें फिजिकली फिट भी रखता है, तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी महिलाओं को कि सिर्फ काम में, घरेलू कामों में और किचन में ही ना व्यस्त रहें, कुछ समय अपने लिए भी निकालें और अपने आप को फिट रखने के लिए चाहे जो आपको करना पड़े, चाहे वो नृत्य हो या कोई भी और चीज़, एक्सरसाइज हो, सुबह का व्यायाम हो या योगा हो, आप जरूर करें।